की दसवीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है जबकि बारहवीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह अहम निर्णय लिया गया है। वहीं इस निर्णय के बाद करनाल में टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आए। बता दें कि कोविड 19 को देखते हुए यह असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि इस काल में परीक्षाएं होंगी या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह फैसला लिया गया कि सीबीएसई की दसवीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और बारहवीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस पर जब करनाल के बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला अच्छा है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, इतने बच्चे एक साथ एग्जाम देते तो निश्चित रूप से कोरोना फैलाने का डर लगा रहता। वहीं बारहवीं की परीक्षा के लिए हमें वक्त मिल गया है, ये एक बेहतर बात है। उधर पेरेंट्स ने भी सरकार के इस फैसले को सही माना है क्योंकि सब जानते हैं कि कोरोना का आंकड़ा बढ़ गया है, अगर एक साथ इतने बच्चे परीक्षा देंगे तो कोरोना और अधिक फैल सकता है। वहीं कुछ दिन पहले एक स्कूल खुले रखने की मांग पर अड़े स्कूल संचालक भी अब सरकार के इस फैसले में हाँ में हाँ मिला दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब 11वीं के बच्चों का अगला सेशन जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। ये सर किस तरह देखते हैं जो 10वीं की परीक्षाएं रद्द हुई और प्लस टू की जो है? सर ये पिछले मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है और बीच बीच में ओपन भी हो जाता है, कभी फिर लॉकडाउन हो जाता है। तो अब ये जैसे 10th की जो परीक्षा रद्द की है उसके मिले जुले असर है। देखो कई क्लास चेंज होना कोई माने नहीं रखता, बच्चे को प्रॉपर पूरा नॉलेज भी होना चाहिए। और अभी 12th का जो एग्ज़ाम एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो प्रॉपर पूरा टाइम पे होना चाहिए, बच्चे का पिछले साल से ऐसे होता आ रहा है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे बच्चे ने स्टडी करनी है, अब जैसे बच्चे, मैं अपने बेटे की अगर बात करूँ, उसके उन्होंने अभी LLB का उनका एंट्रेंस टेस्ट था वो क्लियर हो गया, उसका एडमिशन हो चुका है और उसकी फीस भी पे कर चुके हैं हम। अब पीछे से जब तक 12th ही नहीं उसकी क्लियर होगी तो नेक्स्ट एडमिशन का उसका क्या बेनिफिट होगा? वो दोनों तरफ से बिल्कुल बच्चा, उसको प्रॉब्लम रहेगी इसमें भी। आप अगर कोरोना के बिल्कुल केस को अगर इतना डर है तो मानते हैं हम, चलो कोरोना है, तो उनको कम संख्या के अंदर बच्चों का एग्जाम ले सकते हैं। रूम के अंदर 10 बच्चे बिठा के, 15 बच्चे बिठा के, कम संख्या के, जरूरी नहीं है पूरे स्कूल को इकट्ठा बना के या सब पूरे शहर को इकट्ठा करें, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। शहर में जब बाकी एक्टिविटी हो रही है, पॉलिटिक्स की, आप कोई भी रैलियाँ लगा लो, किसान आंदोलन लगा लो, आप मेला लगा लो, जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो स्कूल की भीड़ इकट्ठी होने से कोई कोरोना कोई अलग काम नहीं करेगा। आप उसको बिल्कुल मैनेज करके एक सही तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम जो 12th का बिल्कुल प्रॉपर पूरे सही टाइम पर होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर बलकार सिंह। दसवीं की परीक्षाएं जो है रद्द की और प्लस टू की स्थगित, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो ये फैसला सही है और प्लस टू क्लास के एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए, पोस्टपोन कर दिए, उससे ज़्यादा पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि बच्चों को डिफ़िकल्टीज होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स एक हद तक ठीक है अगर हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, बच्चों का रिज़ल्ट आ जाता है, अगर उनके इतने आते रिज़ल्ट तो अच्छी बात है, वरना स्टूडेंट्स दोबारा भी एग्ज़ाम्स दे सके तो वो सरकार का अच्छा डिसीजन है। क्या नाम है बेटे? तमन्ना। कहना चाहेंगे किस तरह देखते हैं दसवीं बोर्ड के फैसले को? सर बिल्कुल 10th के लिए तो ठीक ही है क्योंकि उनके आगे जाके हो जाएंगे, उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, लेकिन प्लस टू के एग्ज़ाम्स ले लेने चाहिए क्योंकि उनके बिना कॉलेजेस आगे उन्हें नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए और पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। क्या नाम है आपका? तनिष्क। जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है 10th के बोर्ड रद्द कर दिए गए हैं, बिल्कुल सही किया है क्योंकि 10th क्लास को प्री बोर्ड के बेसिस पे पास किया जा सकता है, तो जो प्लस टू के पेपर्स हैं वो जल्द से जल्द लेने चाहिए क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, आगे जाके कॉलेजेस में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट ने जो 1 जून की डेट बोली है न्यू डेट शीट के लिए, वो डेट शीट पहले ही आ जानी चाहिए और बच्चों का कम नंबर में उनका पेपर ले देना चाहिए, ऐसे एक क्लास में 12 बच्चे बहुत है। यही कि गवर्नमेंट का 10th के लिए तो सही है लेकिन 12th के लिए आपको जल्द से जल्द पेपर लेने चाहिए क्योंकि फिर आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर आगे कोई IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उनको ड्रॉप ही है, तो उनको जल्द से जल्द वो अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जा सके और मतलब अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करे ताकि उनका अगर आगे का कुछ करियर है तो मतलब वो आगे अपना परस्यू कर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।